नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। एक सुओ मोटो सुना है ना, सुओ मोटो क्या होता है? जब अदालत खुद ब खुद नोटिस लेती है किसी चीज का, तो कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। और किस तरह ये बुजदिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। उकाड़ा वालों, सुना था ना कि अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज होती है, सुना था ना? अब देख रहे हो कि आवाज भी नहीं आ रही और कुदरत की लाठी किस तरह चारों तरफ जो है वो अपना असर दिखा रही है। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, जो जितना बड़ा जालिम होता है उतना ही बड़ा बुजदिल होता है, जो जितना बड़ा बेरहम होता है उतना ही बड़ा डरपोक होता है। पंजाबी में डरू का लफ्ज सुना हुआ है ना? सुना है ना? कौन सा लफ्ज? डरू का लफ्ज सुना है ना? दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे, बेगुनाहों का एहतसाब करते हुए ताकत के बलबूते पे फिरौन बने हुए थे, और आज अपनी बारी आई तो मुंह छुपाकर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। लोगों को चोर चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी, खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेच के पैसे खा गया। लोगों की माओ बहनों बेटियों को जेलों में डाला, बाप के सामने गिरफ्तार किया और सजाए मौत की चक्कियों में फेंका। अपनी बारी आई तो बुजदिली की दास्ताने रकम करके जिल्लत से फरार हुए, जिल्लत से, इज्जत से भी नहीं गए। नवाज शरीफ को 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने पर जब निकाला था, नवाज शरीफ इज्जत से घर गया था, आपकी ताकत से घर गया था, लेकिन ये जिल्लत से गए हैं। इनके नसीब में वो सब कुछ भी आया और जिल्लत भी आई, क्योंकि खड़ा होके ये सामना मुश्किल वक्त का नहीं कर सके। बोलो, पाकिस्तान के लीडर ऐसे ऐसे बुजदिल होने चाहिए? उकाड़ा के अवाम का लीडर ऐसा बुजदिल होना चाहिए? उकाड़ा वालों याद रखना, कुदरत का असूल, कुदरत के असूल में गुनाहगार की माफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। उसके निजाम में गुनाहगार की माफी है, उसके निजाम में जालिम की माफी नहीं है। या तो तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के अहलकारों और इंतजामिया के ऊपर। आज कहो, आज हमें कहो कि मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए या मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको, ताकि इनको लगे पता कि इनकी असलियत क्या है। शेर को शेर का निशान मिल सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता।